इस श्रृंखला में हमारा आज का टॉपिक है क्या ज्यादा जरूरी है, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धि। क्या आप मानते हैं कि केवल इंटेलिजेंट लोग ही जीवन में सफल होते हैं? संभवतः आपका जवाब नहीं होगा। फिर दूसरा सवाल यह उठता है कि क्यों कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते या जीवन में सफल नहीं है, जबकि कुछ मध्यम लेवल के इंटेलिजेंट लोग ज्यादा सफल होते हैं और ज्यादा खुश भी रहते हैं। इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आपको आज के लेख में मिलेगा। आइए सबसे पहले समझें कि मनोवैज्ञानिक इन दो टॉपिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? इंटेलिजेंस यानी विशेष प्रकार की एबिलिटी, जैसे मैथ्स, म्यूजिक, भाषा, दिशाओं का ज्ञान आदि का तेज होना और कभी कभी बहुत सी एबिलिटीज का जोड़ भी। हालांकि बाद में मनोवैज्ञानिकों ने इंटेलिजेंस को कई भागों में बांट दिया, जिनमें से कुछ भाग भावनात्मक बुद्धि के ज्यादा करीब हैं। जैसे अगर हम थ्योरी की बात करें तो यह इंटेलिजेंस को तीन भागों में बांटती है। एक, याद करना और उसे रिकॉल करने की क्षमता। दूसरी, एक समस्या को या समस्याओं को हम कितने ज्यादा तरीकों से हल करना जानते हैं उसकी क्षमता। और तीसरी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी कि खुद को और दूसरों को समझने की क्षमता। और हम कितने स्ट्रीट स्मार्ट हैं, जो कि भावनात्मक बुद्धि के ज्यादा करीब है। अगला सवाल आता है कि भावनात्मक बुद्धि क्या है? भावनात्मक बुद्धि स्वयं के और दूसरों के भाव या इमोशन को जानने या समझने और व्यक्त करने की क्षमता है। इसके साथ दूसरों के भाव को जानकर उनके साथ सहानुभूति व्यवहार करना भी इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त खुद के प्रति जागरूक होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरों की भावनाओं को समझना और ख्याल रखना, खुद को मैनेज करना आना, मूड मैनेज करना, खुद को मोटिवेट रखना और दूसरों से सकारात्मक संबंध रखना आदि। एक मनोवैज्ञानिक ने तो बहुत सारे व्यक्तिगत गुणों को भी इसमें शामिल किया है, जैसे आत्मसम्मान, सेल्फ मोटिवेशन, खुशहाली, आशावादी, सामाजिक स्थिति को समझना आदि। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि में अलग अलग स्तर पर हैं, और इसीलिए हमारा व्यवहार, भावनाएं और समझ भी अलग अलग स्तर पर होती हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि इंटेलिजेंस ज्यादा जरूरी है या इमोशनल इंटेलिजेंस। आओ समझते हैं दोनों में क्या संबंध है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही ज्यादा तेज धार वाला चाकू है और आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो इस तेज धार वाले चाकू से आप खुद को या दूसरों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आपकी इंटेलिजेंस तेज है और आप नहीं जानते कि यह कैसे सही दिशा में इस्तेमाल करनी है, तो आप गलत दिशा में जाकर खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जितना तेज चाकू होगा उतना ही उसका तेज असर भी होगा। अतः इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस का तेज होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी जो हमारी परफॉर्मेंस या अचीवमेंट्स हैं, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस का भी रोल है। यह पाया गया है कि स्कूल, कॉलेज या जॉब परफॉर्मेंस और खुशहाली या जीवन में कुशलता के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का अहम रोल है। और हाँ, भावनात्मक बुद्धि को बुद्धि के बजाय सीखकर बढ़ाना भी आसान है। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगले भाग में हम भावनात्मक बुद्धि को बढ़ाने वाले फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।